नॉलेज दुनिया की इस नई और इंटरेस्टिंग वीडियो पे फिर से आपका स्वागत है। वक्त नापने के लिए मनुष्य प्राचीन काल में सन डायल, वाटर क्लॉक और सैंड क्लॉक जैसे यंत्रों का इस्तेमाल करते थे, पर सही तरह से वक्त निर्धारित करने के लिए क्लॉक्स का आविष्कार हुआ। पर जहां घड़ियां वक्त देखने के काम आती हैं, वहां ये अद्भुत वॉचेस वक्त के दायरे से बाहर निकलकर अंतरिक्ष और प्रकृति तक ले जाती हैं। आइए आज हम ऐसे ही कुछ घड़ियों के बारे में जानते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नॉलेज दुनिया के लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। जेकब एंड को। हम में से जो सिर्फ अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने का सपना ही देख सकते हैं, उनके लिए मानो जेकब एंड को ने अंतरिक्ष को अपनी इस घड़ी के माध्यम से आपकी कलाइयों पर लाकर रख दिया है। एस्ट्रोनॉमिक टॉबी ओवन के 4 सैटेलाइट आर्म्स हैं, जो डायल के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनमें से एक सैटेलाइट जो वक्त बताता है, वो हर 20 मिनट्स में डायल का एक चक्कर लगाता है। दूसरा सैटेलाइट हर एक मिनट में अपने केज के अंदर लगातार घूमता है। तीसरी सैटेलाइट पे हम एक चमकते हुए घूमते हीरे को देखते हैं। अंतरिक्ष का पूरा एहसास देने के लिए घड़ी के बैकग्राउंड को एंजिनल चमकते तारों जैसी दिखने वाली चीजों से सजाया गया है। घड़ी के रोज गोल्ड बाहरी हिस्से की हर तरफ से सफायर क्रिस्टल देकर सुरक्षित किया गया है। इसको पहनकर वक्त और अंतरिक्ष के रहस्य आपके हाथ में रहेंगे। ओपस 11। डेनिस शिवर द्वारा बनाई हुई ओपस 11 अपनी सीरीज की 11th रचना है, जो टाइम एक्सप्लोजन की कॉन्सेप्ट से प्रेरित है। मेन डायल के बीच में पजल के बड़े बड़े टुकड़े चक्कर लगाते हैं, जो हमें घंटों का पता कराते हैं। मिनट्स का पता हमें दो डिस्क से पता चलता है, जो घड़ी के साइड में पेज हुए छोटे सब डायल में घूमते हैं। हर एक घंटे पर हमें ये इल्यूजन होता है मानो सारे टुकड़े इस तरह टूट रहे हैं कि वो हमें दूसरे घंटे की शर्त के बारे में बताकर वापस जुड़ जाएंगे। ये मूवमेंट 566 पार्ट्स को मिलाकर होती है और हर मूवमेंट को पूरी तरह से एक साथ होने में 5 हफ्ते लगते हैं। क्रिस्टोफ क्लैरेट एक्स ट्रेंड। क्रिस्टोफ क्लैरेट के लाइन की ये घड़ियों बहुत ही कॉम्प्लेक्स और तकनीकी डिजाइन का है। इस घड़ी में मूवमेंट की इफेक्ट लिए बिना ही मैग्नेट्स की मदद से आपको टाइम का पता चलता है, यानी चुंबक दो स्टील के बॉल्स को कंट्रोल करते हैं, जो ऊपर नीचे करके घंटों या मिनट्स के बारे में बताते हैं। ट्यूब्स में रोशनी वाली स्ट्रिप्स लगे होने के कारण आप अंधेरे में भी टाइम देख सकते हैं। हैरत की बात ये है कि इस घड़ी के सिर्फ 8 मॉडल्स ही बने हैं। डेविन ट्रेड। ट्रेड 1 और ट्रेड 2 घड़ियां काफी अद्भुत मूवमेंट्स में चलती हैं, जहां आपस में मिले हुए टाइम बेल्ट्स घंटे, मिनट्स और सेकंड्स के बारे में बताते हैं। इन सभी बेल्ट्स को कंट्रोल करता है 2 ऑनबोर्ड माइक्रो प्रोसेसर। घड़ी के डायल को देखना खुद में ही मुग्ध करने वाला अनुभव है। बस एक दिन चार्ज करने पर ट्रेड 1-2 हफ्तों तक चलती है। बड़े ट्रेड 1 की कीमत $17,500 से शुरू होती है और छोटे ट्रेड 2 को आप $12,000 में अपना बना सकते हैं। ये घड़ी इतना अद्भुत है कि वक्त पता होने के बावजूद आप इसे बार बार देखते रहेंगे। HYT मेट्रोपोलिस। 2012 में लॉन्च हुई ये HYT मेट्रोपोलिस सिर्फ एक घड़ी नहीं है, खुद ही हाइड्रोमैकेनिकल होरोलॉजिस्ट बताने वाली ये घड़ी में अद्भुत मेल देखने को मिलता है। इन घड़ियों में फ्लूइड्स और मैकेनिकल मूवमेंट का मेल इस तरह किया गया है कि जब एक रंगीन मूवमेंट डायल के बाहरी गोलाई पे आती है तो हमें घंटों का पता चलता है, वहीं छोटे डायल से हमें मिनट्स का पता चलता है। हम और भी हैरतअंगेज हो जाते हैं जब ये पता चलता है कि बिना बैटरी की ये घड़ी रोशन हो सकती है। डायनेमो लाइट सिस्टम की मदद से आप इस घड़ी को अंधेरे में भी टाइम देखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कीमत करीब $94,000 के आसपास है। चार्मिंग बर्ड। इस घड़ी में प्रकृति के सबसे प्यारे जीव गान वाली चिड़ियों की सराहा गया है। एक बटन को प्रेस करने पर जैक्स रो की इस घड़ी के बीच बैठी ये चिड़िया खुद ही गाने लगती है। इस घड़ी के सिर्फ 28 मॉडल्स बनाए गए हैं और ये पहली घड़ी है जहां एक मैकेनिकल चिड़िया मीठे गाने गाती है। ला फेरारी।
जब इटली के एग्जॉटिक कार्स और लग्जरी ब्रांड की घड़ियां बनाने के तरीके एक साथ आते हैं तो मच इस तरह की अद्भुत रचना देखने को मिलती है। $3 लाख में घड़ियों का कोई दीवाना ही इसे खरीद सकता है जो अपनी गाड़ी और घड़ी के मूल में फर्क ना समझे। 637 कंपोनेंट से बनाई गई ये घड़ी ने 50 डेज तक पावर रिजर्व करने का रिकॉर्ड बनाया। इस घड़ी की संख्या दुनिया में केवल 50 है। यूलिस नार्लिन स्ट्रेंजर, म्यूजिक बॉक्सेस ने हमेशा हमें अपनी ओर आकर्षित किया है, कभी ध्वनि तो कभी अपनी खूबसूरती से। इस घड़ी में म्यूजिक बॉक्स है जिसे आप काम करते हुए देख सकते हैं। अपने नाम जैसे ही अद्भुत, ये घड़ी में फ्रैंक सिंटारा का मशहूर गाना स्ट्रेंजर्स एंड द नाइट बजता है। 2 साल बाद जब ये घड़ी की सेकेंड एडिशन आई तो उस घड़ी में लोगों ने एंटोनियो विवाल्डी का ला प्रिमावेरा जैसे बहुत खूबसूरत और मशहूर गाने को बजते हुए सुना। 15 मिलीमीटर की ये रोज गोल्ड घड़ियों के सिर्फ 99 मॉडल्स हैं। लूना मेरा, 2013 में इंडिपेंडेंट स्विस घड़ी की ब्रांड एरिक लॉड्रे की कल्पना वाले इस मैकेनिकल घड़ी लूना मेरा का खुलासा किया। सफायर क्रिस्टल के काफी बड़ी साइज की ये घड़ी इसके अंदर होने वाली मैकेनिक्स को देखने की इजाजत नहीं देती। इसके मूवमेंट वर्टिकल कैपस्टन व्हील्स और एक चेन और फ्यूज सिस्टम को मिलाती है जहाँ एक 3D मून इंडिकेटर भी है। घड़ी के बीचों बीच चांद यानी कि स्फेरिकल मून है जो हर 29.5 दिनों में एक पूरा चक्कर लगाता है। ये ताज के आकार जैसी चीज से घिरा हुआ है। स्पेस पायरेट, इस घड़ी की प्रेरणा इसके रचयिता और कंपनी के फाउंडर मिस्टर मैक्समिलन बूजर को अपने बचपन पसंदीदा कार्टून कैप्टन फ्यूचर से मिली। उन्होंने कैप्टन फ्यूचर के स्पेसशिप्स की कल्पना करके इस घड़ी को डिजाइन किया। ये घड़ी ऐसी लगती है मानो किसी और ग्रह से उतरी हो। घड़ी के चारों कोनों में 4 स्फीयर्स हैं। लेफ्ट से घंटों का और राइट से मिनटों का पता चलता है। घड़ी के बीच में एक डोम है जहाँ स्पिनिंग टर्बाइन्स हैं। इस घड़ी का सबसे महंगा वर्जन सफायर और प्लैटिनम से बनाया गया है। इसका मूल्य $3,98,000 है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।